हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रॉबिन एंड आई वेलकम यू ऑल एट दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ SSC CGL 2017 के प्रीलिम्स पेपर के डिस्कशंस को। सो नाउ इन दिस पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी रीजनिंग सेट के जो 8th ऑफ अगस्त की शिफ्ट नंबर 2nd के अंदर रीजनिंग का सेट था, उससे बेस्ड हम जितने भी क्वेश्चन थे उनको इस सेट में, इस लेसन में सॉल्व करेंगे। सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग दी लेसन, मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाकर फॉलो कर सकते हो। तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मेरे मोर देन 25 कोर्सेज हैं और अभी रिसेंटली मैंने SSC CGL 2017 प्रीलिम्स में पूछे गए सभी शिफ्ट में GS के क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट किया है। तो यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी फॉर मोर रिलेटेड कोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया है, यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है, जैसे गोइटर और आयोडीन किस तरीके से रिलेट करते हैं उसी तरीके से मुझे एनीमिया का बताना है कि किससे रिलेट करेगा। सो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, गोइटर होता है। तो एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आंसर इज आयरन। नेक्स्ट वन मुझे यहाँ पर रिलेशंस दिए गए हैं, दैट इज़ डी ई ओ को जिस तरीके से रिलेट करता है उसी तरीके से मुझे ए एफ और यहाँ पर जो टर्म है वो किससे रिलेट करेगा यही मुझे बताना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं डी और ई की, तो इनकी अल्फाबेटिकल सीरीज़ में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 4 and 5। तो यहाँ पर इनकी जो रिलेशन दी है वो दी गई है ओ के साथ। तो आप 4 और 5 का सम करोगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करके जब -3 करोगे तो आपको मिलती है वैल्यू 15, विच इज़ नथिंग बट ओ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब इसी तरीके से मैं इसे ए एफ पर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, तो ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितनी होती है, 1, और F की कितनी होती है, 6। तो आपको A और F की वैल्यूज़ का, दैट इज़ 1 and 6 का सम कितना मिलेगा, 7। 7 into 2 आपको कितना देगा, 14, एंड 14 minus 3 आपको वैल्यू देता है 11। और 11 किसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दैट इज़ K की। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा आपके पास, K। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 56 रिलेट करता है 41 से किसी रिलेशनशिप के साथ, तो उसी तरीके से मुझे बताना है 94 किसके साथ रिलेशनशिप स्टेबल करेगा। तो अगर मैं बात करूं आपसे 56 की, तो यहां पर 5 और 6 का मल्टीप्लाई करके मैं इसको प्लस करूं अगर 5 और 6 के सम में, तो मुझे यहां से 5 into 6 कितना देता है, 30। एंड 5 और 6 का आपको जो सम है वो कितना मिलेगा, 11। और इसको आप सम करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 41। तो यहां से आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया कि क्या इनका आपस में रिलेशन है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे 94 वैल्यू में। तो क्या करना होगा, मुझे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, क्या वैल्यू मिलेगी आपको 9 की 44 से मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज़ 36। उसी तरीके से आपको 9 and 4 का सम निकालना है, उसको प्लस करना है दैट इज़ 13 से। तो ये वैल्यू सम होकर आपको क्या वैल्यू देगी, 49। और आपका करेक्ट आंसर भी क्या है, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि आपको निम्नलिखित में से बताना है कि विच वर्ड इज़ एन ऑड वर्ड। तो आप देखेंगे ऑप्शन में बीनीथ का मतलब क्या होता है, किसी के नीचे। ऑन टॉप यानी कि एक डायरेक्शन और एक पोजीशन बताता है। ह्यूज अभी देखते हैं। अबव भी क्या होता है, एक डायरेक्शन बताता है कि किस जगह पर, आई मीन किसी लेवल के अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आई मीन पोजीशन से रिलेटेड है कि आप डायरेक्शन वाइज ऊपर या नीचे की बात कर रहे हैं। तो लेकिन आप जो नंबर थ्री ऑप्शन की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा रिलेशनशिप नहीं बताता है। तो इसमें ऑड वर्ड क्या होगा, ह्यूज। नेक्स्ट आपको दिया है कि यहाँ से आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है इन 4 ऑप्शंस में से। अगर मैं MN की बात करूँ तो आप देखेंगे आप इस ऑर्डर को इस तरीके से लिखने के बाद कि M और N एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट्स आते हैं जब इनको 1 to 13 एंड 14 to 26 ऑर्डर में इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद मैं बात करूँ आपसे NM की, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। अगर मैं आपसे बात करूं OL की, तो आप देखेंगे OL भी एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे ET की, तो यहां पर ET का कोई अपोजिट रिलेशनशिप नहीं मिलता है। तो दैट मींस 1, 2 and 3 ऑप्शन आपस में सिमिलर एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 4 वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं करता है। तो हमसे पूछा गया था फाइंड आउट द ऑड वर्ड इन दिस ऑप्शंस, तो आंसर क्या होगा आपका, ET। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि विच नंबर इज़ एन ऑड नंबर। तो आप पहले ऑप्शन को देखेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का सम आपको क्या देता है, मिडिल नंबर, दैट इज़ 5। 4 and 3 का सम आपको क्या देता है, 7। 1 and 3 का सम आपको क्या देता है, 4। लेकिन जब आप 6 and 3 का सम निकालते हैं तो ये आपको सम 9 देगा, ना कि 3। तो आपका ऑड नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, 3, 3। नेक्स्ट वन आपको ये नंबर्स आई मीन वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको लगाना है इनके
डिक्शनरी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा। यहाँ पर सेम आई मीन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड सभी में कॉमन है, थर्ड वर्ड भी कॉमन है, उसके बाद आता है एन, एन भी कॉमन है, एंड देन उसके बाद आता है सी। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड फिफ्थ में दोनों मतलब इस नंबर तक यानी 5 and 1 स्टार्टिंग में आएंगे। तो आप इसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों ऑप्शन में 5 1 से ही स्टार्टिंग है। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड नंबर क्या है 2 3 3, तो आप देखेंगे 2 और 3 में कौन सा नंबर आपको मिल रहा है, आपको मिलता है टी एंड पी। तो कौन पहले आता है, पी आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा 5 1 के बाद क्या आएगा 3। तो आप इसी तरीके से फाइंड आउट करोगे और आपको क्या वैल्यू मिलेगी 3 and 4। इसके बाद जो बाकी के नंबर्स हैं उन्हें भी आप इसी तरीके से चेक करेंगे और आपका आंसर क्या आएगा 5 1 3 2 4 इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी सीक्वेंस। नेक्स्ट वन, आपको ये कुछ ब्लैंक्स दिए हैं तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न फाइंड आउट करना है सो दैट कि आप इन नंबर्स को फिल कर पाएँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले सबसे आप सम देखेंगे कि कितने टर्म्स आपको दी हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ तो आपको यहाँ टोटल टर्म्स दी हुई हैं 16। तो 16 के बाद आपका पहला क्या काम होता है, आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे। पहला आप 8 and 8 में डिवाइड करोगे, अगर तब भी आपको कोई पैटर्न नज़र नहीं आता है तो आप उसके बाद 4 के पैटर्न में डिवाइड करके देख सकते हो कि कुछ आपको पैटर्न नज़र आता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने 8 के पैटर्न में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इस पूरे 16 नंबर्स के पैटर्न को। इसके बाद मैं यहाँ पर नोटिफाई करता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पर Y मिला है तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा ही कुछ मिलना होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसी पैटर्न को मुझे फॉलो करने के लिए यहाँ ऑप्शन को देखना होगा, पैटर्न को इसमें फिल करना होगा और मुझे समझ में आएगा, आप इसे यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 नंबर्स हैं और इसके बाद के नंबर्स भी 8 हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स वाई है स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी एक्स वाई फिर जी, तो ये पैटर्न एकदम फॉलो करता है। तो यही क्या होगा आपका फिल वैल्यू में इनको पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको एक्स जी जी एंड एक्स, और यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको सीरीज़ दी है, सीरीज़ के बीच में से एक टर्म मिसिंग है, आपको फाइंड आउट करना है कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करके कि क्या यहाँ पर पैटर्न यूज़ हुआ है। तो आप 19 से 38 आने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर उसके बाद एक कोई नंबर है जो कि मिसिंग है, उसके बाद आप देखेंगे कि 228 से 684 आने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा। आपको सीधे सीधे दिखता है कि आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, दैट इज़ 3 से, ठीक है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ से 2 का मल्टीप्लीकेशन किया और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट टर्म देखी वहाँ पर आपको क्या मिला, 3 से मल्टीप्लीकेशन देखने के मिला। तो आप 38 के बाद जो टर्म आएगी उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इस पैटर्न को समझने के लिए आपने देखा कि पहले आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने कुछ किया होगा, फिर उसके बाद आपको 3 टाइम्स मिलता है, फिर उसके बाद आपको फिर से 2 टाइम्स मिलता है। तो ये इस टाइप का कुछ पैटर्न है कि पहले आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 3 की। तो पहले टर्म में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है आपका, नेक्स्ट टर्म में आप करोगे 3 से मल्टीप्लाई, यानी 38 into 3 जो भी वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलता है 114। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिया गया है कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स, दैट इज़ PQRS and T। यहाँ पर इनकी हाइट्स के बारे में मुझे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बाद इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे बताना है कि हु इज़ हैविंग द मैक्सिमम हाइट इन द क्लास। तो पहला स्टेटमेंट मुझे दिया है पीज हाइट इज़ मोर देन ओनली 1 स्टूडेंट। तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट आया जहाँ पर मुझे दिया है कि पी की हाइट ग्रेटर देन है सिर्फ एक स्टूडेंट के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मुझे दिया है क्यूज हाइट इज़ मोर देन S and P। तो यहाँ पर मैंने लिखा पहला अगला स्टेटमेंट क्यू की हाइट किससे ग्रेटर है, एस एंड पी से, बट नॉट मोर देन एस, ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू किससे ग्रेटर देन है, एस से। एस हाइट इज़ मोर देन पी, एस की हाइट किससे है, मोर देन पी से है। आर इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट, ठीक है, आर इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट, हु इज़ हैविंग द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से आपको क्लियर होता है कि आर की अगर हाइट क्यू से ग्रेटर है दैट मीन्स एस और पी से भी ग्रेटर है, और यहाँ पर P के नीचे जो भी टर्म आई होगी उससे भी ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली R इज़ हैविंग दी मैक्सिमम हाइट, और यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए रो ऑफ 74 गर्ल्स श्वेता इज 27th फ्रॉम दी लेफ्ट। अगर मैं आपसे लेफ्ट से बात करूँ तो लेफ्ट से श्वेता की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 27th। तो यहाँ से श्वेता तक आने के लिए बीच में कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे, 26, ठीक है। उसके बाद दिया जाता है पलक इज 7 टू द राइट ऑफ श्वेता। तो श्वेता से 7th कौन है, पलक, यानी कि श्वेता और पलक के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स, ओके फाइन। व्हाट इज़ द पलक्स पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अगर टोटल 74 आपको दिए हैं तो मैं इधर से कैलकुलेट करता हूँ, 26 तो ये आपके पास आए,
उसके बाद आपके पास 6 यहाँ है, तो टोटल कितने होते हैं आपके पास 32, और एक बीच में आपके पास श्वेता है। तो यहाँ तक इस एंड से यहाँ तक आने में आपके कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, 33। आपके पास टोटल कितने थे, 74। तो इधर एंड से, राइट एंड से आपको बताना है, तो आप माइनस करोगे 74 में से 33 स्टूडेंट्स, तो आपको पलक की पोजीशन मिलेगी फ्रॉम द राइट एंड, दैट इज़ 41st रैंक। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको दिया है कि आपको ये एक वर्ड दिया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ड को फॉर्म नहीं, आई मीन कैन बी फॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, आपको देखना है कि इन वर्ड्स में दिए गए लेटर्स से ये वर्ड फॉर्म किए जा सकते हैं या नहीं। तो मैं बात करता हूँ टेल की, तो टेल में क्या आता है, TALNE। तो आप देखेंगे यहाँ पर ई भी है, टी भी है, ए भी है, और एल भी है। तो यहाँ का इसमें मुझसे पूछा था, गया था कि विच वर्ड कैन बी फॉर्म, तो टेल यहाँ पर फॉर्म हो सकता है, बाकी आप एक बार चेक कर लेंगे ये फॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट आपको दिया है इन अ सर्टेन कोड बायोलॉजी इज रिटन एज, तो बायोलॉजी का कनेक्शन कुछ दिया है रिलेशन इस वर्ड से, तो आपको बताना है कि फिजिक्स का रिलेशनशिप किस वर्ड के साथ होगा। तो आप बायोलॉजी में और ये जो आपको वर्ड दिया है इसमें रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं, तो बाई के बी का करस्पॉन्डिंग वर्ड आपको क्या मिला है, यहाँ पे वाई। तो आप इस तरीके से अल्फाबेटिकल सीरीज में देखेंगे, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख के 1 to 13 एंड 14 to 26, तो बी का अपोजिट आपको क्या मिलता है, वाई, और यही आपको बायोलॉजी के जो करस्पॉन्डिंग कोड दिया है उसमें मिला है। आई का करस्पॉन्डिंग आपको क्या दिया है, आर। तो मैं इधर देखता हूँ आई का करस्पॉन्डिंग अपोजिट क्या है, आर। तो आपने देखा बायोलॉजी अपने वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स में लिखा हुआ है, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को इस तरीके से लिखते हैं। तो सेम अगर मुझे फिजिक्स के बारे में बताना है, तो फिजिक्स के लिए मुझे पी देखना होगा, पी के अपोजिट में क्या है, के। तो यहाँ पर मुझे देखना होगा के के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट होंगे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद मैं एच की बात करूँगा, तो एच का अपोजिट क्या है, दैट इज़ एस। तो यहाँ पर बाकी कितना बचता है, तीनों में ही एस है। तो नेक्स्ट वर्ड चेक करते हैं, वाई के अपोजिट में मुझे क्या मिलता है, बी। तो यहाँ पर मुझे बी देखना होगा, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाता है, बचता है सेकेंड एंड फोर्थ। उसके बाद मुझे देखना होगा क्या, मैं देखता हूँ फर्स्ट एंड फोर्थ में और कहाँ पर नंबर डिफर है। तो यहाँ पर लास्ट नंबर डिफर नज़र आ रहा है, यहाँ पर H है, यहाँ पर R है, तो यहाँ पर C के करस्पॉन्डिंग में मुझे बताना है, तो वो वैल्यू मुझे मिलेगी X। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मुझे एक स्टेटमेंट दिया है और मुझसे बोला है कि किन साइंस को इंटरचेंज करें सो दैट के मुझे करेक्ट नंबर्स मिलें। तो यहाँ पर आप सभी नंबर को देखते रहेंगे और चेक करेंगे कि किस में आपको करेक्ट एक्सप्रेशन मिलता है। तो जब आप फोर्थ ऑप्शन को चूज़ करते हैं, दैट इज़ प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज करते हैं, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ से आपको 8/4 वैल्यू क्या देगा, 2। 6-2 आपको क्या मिलेगा, 4। एंड 4 और 4 सम होकर आपको क्या वैल्यू देगा, 8। और यही क्या होगा आपका करेक्ट एक्सप्रेशन, और तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपको दिया है ये कुछ एक्सप्रेशंस, इनके कुछ रिलेशंस हैं आपस में, तो आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है इसका क्या उसी सेम पैटर्न में रिलेशन होगा। तो मैं अगर आपसे बात करूँ 493 और इसका वैल्यू अगर आपको करस्पॉन्डिंग गिवन है 4, तो यहाँ से आपको क्या देखना होगा, आपको कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। क्या है वो पैटर्न, आप समअप करेंगे इन तीनों डिजिट्स का, दैट इज़ 4+9 कितना मिलेगा आपको, 13। 13+3 आपको क्या मिलेगा, 16। और 16 का अंडर रूट क्या होता है, आंसर इज़ 4। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं देखता हूँ 5 और 3 7 5 और 3 8, 8+1 9, और 9 का रूट क्या देता है आपको, 3। तो सेम आपको यहाँ पर ही देखना है, 9 और 9 आपको क्या देता है, 18। 18+7 क्या होता है, 25, और 25 का रूट आपको क्या देगा, 5। तो यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको ये कुछ पैटर्न दिए हैं और इस थर्ड पैटर्न में आपसे मिसिंग वैल्यू पूछी है, तो आपको बताना है कि ये मिसिंग वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं कि पहले पैटर्न में मैं कुछ पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर मैं देखूंगा कि 7 और 4 का सम मेरे पास कितना आता है, 11। और उसके बाद अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं 5 और 3 के सम के, दैट इज़ 8K, तो मुझे क्या मिलता है, 88। यानी कि मुझे यहां पर कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ। तो सेम मैं सेकेंड फिगर में इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज़ 6+2 मुझे क्या देता है, 8। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 8 और 5 के सम से, दैट इज़ 13, तो मुझे क्या मिलेगा, वो 104। दैट मीन्स यही पैटर्न मुझे यूज़ करना होगा थर्ड फिगर में। तो ये वो पैटर्न है जो मुझे यूज़ करना है, 8+7 का मल्टीप्लिकेशन मुझे किस में करना होगा, 3+5 में, और ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 120। तो यहाँ से 120 मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ से पूछा है कि रेक्टेंगल्स बताइए कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो आप काउंट करेंगे इनको,
पहला रेक्टेंगल ये हो गया बड़ा वाला, उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल की बात करता हूँ, ये सेकंड होता है, उसके बाद मैं ये वाले अंदर वाले रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो थर्ड। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी फिगर है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो बिट कैलकुलेटेड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी फिगर, तो आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट आपसे सिलॉजिज्म से ये एक क्वेश्चन है, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। आपको स्टेटमेंट्स दिवन है, दैट इज़ ऑल कप्स आर प्लेट्स, तो यहाँ पर ऑल कप्स आर प्लेट्स मैंने इसको डिनोट किया। नेक्स्ट वन है सम प्लेट्स आर ग्लासेस, तो सम प्लेट्स आर ग्लासेस मैंने ये भी आपके साथ ड्रॉ किया। तो चलिए देखते हैं कॉन्क्लूजन्स हमें क्या दिए गए हैं। सम ग्लासेस आर कप्स, तो यहाँ पर सम ग्लासेस का रिलेशन दिया है कुछ कप से, तो जो कि पॉसिबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कॉन्क्लूजन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी के केस में हम कॉन्क्लूजन्स को सही नहीं मानते हैं। ऑल ग्लासेज आर कप्स, तो यहाँ पर ग्लासेज एंड कप्स के बारे में ऑल का रिलेशन है, विच इज़ नॉट अगेन ट्रू, क्योंकि ये सम का केस है, तो इसमें आप इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर कॉन्क्लूजन वन एंड नॉर कंक्लूजन टू। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक डाइस का ओपन फिगर दिया गया है, मुझे बताना है कि ये चार ऑप्शन थे एक्चुअली, तो मैंने यहाँ पर दो ही लिए हैं, इन दोनों में से ही एक करेक्ट आंसर है। तो मुझे बताना है कि विच ऑप्शन, आई मीन विच डाइस इज करेक्ट एज पर दिस गिवन फिगर। तो चलिए देखते हैं, मैं अगर आपसे बात करूँ पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको दिया है ए डी ई, तो आप देखेंगे कि ए और डी एक दूसरे के साइड में, आई मीन कंसेक्यूटिव आ सकते हैं। अगर मैं ए और ई की बात करूं तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे सेकंड ऑप्शन की बात करूं, दैट इज़ ए बी ओ, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नियरेस्ट हैं और इस तरीके के फॉर्मेशन में ये एकदम करेक्ट हैं, तो यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन आपको दिया है, आपको ये रिलेशनशिप बताना है वेन डायग्राम में, जिसमें आपको तीन डिजिट्स दिए हैं, तीन पैरामीटर्स दिए हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर। तो आप सभी को पता है नेचुरल नंबर के अंदर ही कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आप इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन नंबर एकदम ट्रिक होगा। नेक्स्ट वन आपको ये फिगर दिया है और यहाँ पर एक मिसिंग फिगर दिया है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित फिगर में से कौन सा फिगर ठीक होगा। तो आप, मैंने ये चेक किया, इस फिगर में कोई भी फिगर करेक्ट नहीं है, और SSC ने इस क्वेश्चन के सभी को इक्वल मार्क अलॉट किए थे, तो ये क्वेश्चन क्या है, आपका गलत है। आपको इस फिगर में बताना है कि ये जो फिगर है निम्नलिखित चार ऑप्शंस में से किसमें एम्बेडेड है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता है, तो इसके भी SSC ने सभी को मार्क्स अलॉट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पेपर फोल्डिंग का है, तो आप इस तरीके से पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे कि आप इधर से फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे, तो आप देखेंगे जब यहाँ पर आप कट लगाते हैं तो यही सेम पैटर्न ऊपर की तरफ जाएगा इस सेकंड फिगर में आने के बाद, तो आपको नीचे दो कट, आई मीन इस तरीके से कट मिलेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, दो सर्कल्स बन चुके होंगे बीच में, तो यही जो है आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है, और यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन आपसे मिरर इमेज के बारे में पूछा है, तो मिरर इमेज के क्वेश्चंस एकदम इजी होते हैं, तो ये ब्लैक वाला पोर्शन दूसरी साइड में पहुंच जाएगा, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके सिनेरियो में, ठीक है। अब उसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि ये पहले ऑप्शन में जो ये साइंस हैं ये इस तरीके से हैं और इधर इस तरीके से हैं, तो इधर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू हैं ये कुछ इस तरीके से हैं, तो ये पलट के अगर जाएंगी तो किस तरीके से जाएंगी, आपको पता इसका होगा ही, तो ये आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर आपसे मैट्रिक्स के बारे में पूछा है, तो स्ट्रॉ का आपको बताना है कि निम्नलिखित मैट्रिक्स में से कौन सा पैटर्न सही होगा। तो मैं बात करता हूँ जीरो, इसके पहले ऑप्शन की, इसमें जीरो जीरो क्या है, आपको एस देता है, उसके बाद क्या है, सेवन एट, तो यहाँ से आप सेवन देखेंगे, आई मीन सेवन यहाँ से देखेंगे, और उसके बाद एट इधर से, तो आपको क्या मिलेगा, वो टी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट होता है। उसके बाद आर के लिए आपको देखना है 13, तो यहाँ से वन और इधर से थ्री आपको क्या देता है, क्रॉसिंग नंबर आर, ओके फाइन। उसके बाद 67 देखना है, यहाँ से 6 और यहाँ से 7 आपको मीटिंग पॉइंट 8 मिलता है, तो ठीक है, चलिए अभी भी हमारा नंबर फॉर्म हो रहा है। उसके बाद लास्ट वर्ड 23 की बात करते हैं, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, इनका मीटिंग पॉइंट क्या देता है मुझे, W, तो यहाँ से मेरा सेम नंबर जो मुझसे पूछा था वो फॉर्म होता है, और यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी, आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा 8th of August की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर पूछे गए इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो चलिए मिलते हैं उस पार्ट में, टेक केयर, बाय बाय।